बताई थी कि उनकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं, अब बात कर रहे हैं उनके बेटे, आंख खोले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है आप सबकी दुआओं से। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइबर्स बढ़े मेरे, आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि मैं अपनी मेट बताई थी कि उनकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह उन्होंने भी बेहतर है, अब बात कर रहे हैं उनके बेटे, आँख खोले बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा खुशी हुई सुन के ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएँ, अल्लाह का शुक्र है जी माशाल्लाह से, चलिए बहुत अच्छा है। मैं सब अल्लाह का ही हमारे सपोर्ट, बहुत अल्लाह का ही शुक्र अदा, जितना करे उतना कम है। देखिए परेशानी रहो कुछ भी रहो, सब अल्लाह की तरफ से रहता है, हर हाल में अपने को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। मैं मेरे बेटियों को भी यही बोलती हूँ कि बस नमाजों की पाबंदी करना है, अपने को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, हर शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का हर हाल में। नमाज़ा तो ज़रूरी है, पाँच वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, फजर हो जाती है कभी छूट जाती है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी पूरी नमाज़ें पढ़ते हैं हम लोग। थोड़े बहुत जिक्र है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं करती हूँ सुबह में शाम में, वो आपसे मैं थोड़ी तज़ से शेयर करना चाह रही थी। सुबह उठते ही मैं हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, ये अल्लाह का जिक्र है, हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, ये 101 बार डेली मैं पढ़ती हूँ। ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी सुबह 101 बार पढ़िए ये पढ़ने से अपनी काफ़ी परेशानियाँ काफ़ी तकलीफ़ा जो भी उससे दूर होती, राहत मिलती, एक सुकून मिलता है ये जिक्र करने से। आप भी देखिए आजमाइए कि सुबह उठने के बाद 101 बार तस्बीह पढ़िए, फिर मगरिब के बाद आप पढ़िए ये तस्बीह, इंशाल्लाह ताला देखिए आपको बहुत सुकून महसूस होगा इंशाल्लाह। तो और मैं और एक जिक्र है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन वा अतूबु इलैही, वो भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ 101 बार सुबह उठते ही नींद में से, फिर शाम में भी पढ़ती हूँ मगरिब के बाद। ये भी अस्तग़फार का तो जिक्र लाजिम ही पढ़ना है अपने को, मैं मेरे बच्चियों को भी बोलती हूँ, मेरे शौहर की पूरी सीख है, उन्हीं मेरे को बताते हैं। और सेहत के लिए, सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए मैं पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम, अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम, अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम, वो भी पढ़ना चाहिए अपने को। तो देखिए अभी अपनी सेहत बहुत अच्छी रहती है, जिक्र है जो अल्लाह के है, ये पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है अपने को इंशाल्लाह, आप भी पढ़िए ये। और दूसरी ये चीज़ है कि अल्लाहुम्मा सलामु सल्लिम, अच्छी सेहत के लिए वो भी 101 बार पढ़िए आप सुबह शाम। और बस थोड़े जिक्र है मैं आपको शेयर करी हूँ, ये मैं अपने बच्चियों को ये बोलती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दिन चल रहा है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बस जो हो सक रहा है अपने से पकवान कर रही हूँ, मैंने तो कभी ऑनलाइन भी मंगा रही हूँ क्योंकि गर्मी से एग्जॉस्ट हो जा रही है तबीयत। हम लोग यूजुअली टैंग यूज़ करते हैं, देखिए टैंग आप लोग भी पिया करिए, नारियल पानी है वो भी पिया करिए। बताना चाह रही हूँ कि नमाज़ों की पाबंदी करिए माशाल्लाह, देखिए बड़े से बड़े परेशानी से अपन बाहर निकल जाते हैं। जैसा हमारी मेट नसीम है उनका नाम, उनकी बेटी की जो तबीयत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा दिखा सुन के माशाल्लाह से। तहज्जुद की नमाज़ के एक अलग फ़ायदे हैं माशाल्लाह से, अगर कोई काम नहीं बन रहा है, अपने कोई काम बनाना है, अल्लाह ताला से मांगना है, वो तो हर पल मांगना है पाँच वक्त की नमाज़ में। तहज्जुद में आप ना, तहज्जुद की नमाज़ में आप जो मांगेंगे, तहज्जुद में आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला बेशक आपको अता फरमाएंगे। आप देखिए आजमा के देख लिया, आप तहज्जुद की नमाज़ में मांग के आप जो चीज़ मांगेंगे वो बेशक आपको हासिल होंगे। और एक जिक्र है फसाइक फिकुमुल्लाह वस्समीउल अलीम, ये भी जिक्र है सुबह पढ़ती हूँ मैं, माशाल्लाह दिन अच्छा गुजरता है, ऐसे बहुत सुकून रहता है समझिए। और यासिन शरीफ तो बेशक पढ़ना ही है, अगर फजर की नमाज़ के बाद भी नहीं तो सुबह कैसा भी पढ़ना है, ये यासिन शरीफ की पाबंदी करना है। और असर के बाद सूरह मुज़म्मिल, तीन टाइम सूरह मुज़म्मिल पढ़ना चाहिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ मैं, मिस होता है मुझसे कभी, लेकिन याद माशाल्लाह बज़बानी याद हो गया है, तो तीन टाइम असर के बाद पढ़ती हूँ, आप भी बेशक पढ़िए। और सोने से पहले रात में ईशा के बाद सूरह वाकिया पढ़िए। ऐसे थोड़ा दिल बोला कि आप लोगों से शेयर करूं मैं, थोड़े मेरे को मालूमात है मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए ये वीडियो पे आई हूं आप लोगों से बात करने के लिए। तो सूरह वाकिया ईशा के बाद पढ़िए आप, और तबारक अल्लज़ी सूरह मुल्क ईशा के बाद सोने से पहले पढ़ना चाहिए वो, जी हाँ, पूरे गुनाहों की माफ़ी है, बग़ैर पूछताछ के अल्लाह ताला जन्नत में जगह देंगे, हर हाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
बस अपने को देखिए अल्लाह से ही मांगना चाहिए, हर चीज़ बेशक अल्लाह ही देने वाला है, कितनी से कितनी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो या परेशानी या बीमारी क्यों ना हो। जैसे हमारे पास भी रहे हैं वो तकलीफ़ा, जैसे शोहर की तबीयत ख़राब हुई, मेरी तबीयत ख़राब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत से ही, देखिए अल्लाह से ही मांगने से, जिक्र से, नमाज़ों से ही तो सुकून मिला है हम यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर, सब अच्छे, सबकी दुआएँ से अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए उसको, आगे उसको बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोगों से मेरे चैनल को। कुछ भी है मेरे से पूछना है या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बस यही शेयर करना था समझे। और बाकी तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, मैं मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। So guys, I'm going to go and buy something. I'm heading out to buy a few things to eat. There's a shop literally outside of our house. So whenever we feel hungry or crave something, we just go there. So freaking hot in here. Yeah guys, so I forgot the keys. So I'm getting back to get the keys to open the gate. I grabbed the keys and now I'm gonna go. And I have bought Bingo chili sprinkled chips. I love these ones, okay? I